है एमबी मोबाइल रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। आज लाए हैं MI 8A 12, जो कस्टमर का कहना था कि ये ऐसे निकला, इस टाइप से आगे से निकला, जैसे गम छूट जाता है उसका, ऐसे निकला हुआ था, लेकिन किसी ने खींच लिया तो बेल्ट कट गया, ऐसा ये कस्टमर का कहना था। बराबर, इस टाइप का बेल्ट कट गया। अब हम इसको रिमूव करते हैं और जो नया डिस्प्ले है उसको निकालते हैं। रिमूव करने के लिए हमने नट वगैरह सब कुछ निकाल दिया। सबसे पहले आप देख रहे हो रिंगर की डब्बी, इसको रिमूव करना होता है। रिंगर की डिब्बी रिमूव करने के बाद ये देख सकते हो बेल्ट है, इसको आराम से निकालना होगा। और इस तरीके से बेल्ट कट गया है, बाकी ये डिस्प्ले चालू हो जाता है। ओके, डिस्प्ले कहीं से डैमेज नहीं है, नॉर्मल यहाँ से डैमेज है। अब हम ये जो जूनी डिस्प्ले है इसको इंस्टॉल करेंगे, रिमूव कर दी है, और जो जूना गम है उसको रिमूव करेंगे और नया गम एंटर करेंगे। आप जैसे कि देख रहे हो ये जो जूना गम है इसको पूरी तरीके से हमें रिमूव करना है, एकदम नॉर्मली पूरा एकदम चकाचक वाला। और देख सकते हो मिट्टी वगैरह से हल्का हल्का मिट्टी वगैरह भी लगा हुआ है इसमें, इसको अच्छे से रिमूव करना होगा। बहुत ही अच्छे से रिमूव करना होगा। मट्टी का मतलब है कि ये जो गम है ये इतना सूख गया है, इसलिए डिस्प्ले बहुत ही जल्दी रिमूव हो गई इसकी। अगर ये सूख नहीं जाता तो डिस्प्ले अंदर लगी होती है। रिमूव हुआ है इसका मतलब है कि गम बहुत ही जल्दी अलग हो गया डिस्प्ले से, इसीलिए हमें पूरी तरीके से गम को अलग करना होगा। और जब तक पूरी तरीके से गम अलग नहीं होगा तब तक ये जो नया गम है वो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि आप देख सकते हैं आप देख पा रहे होंगे। पूरी तरीके से गम रिमूव करना होगा, बहुत जगह गम लगा हुआ है और बहुत स्टोरेज फुल हो गया। आप देख सकते हो पूरी तरीके से हमने रिमूव कर दिया और नॉर्मली जहां जहां बचा वहां भी अलग कर ही गए।
जैसे कि आप देख रहे हो पूरी तरीके से हमने गम रिमूव कर दिया है इसका, और नया गम जैसे कि आप देख रहे हो जूना गम हमने पूरा निकाल दिया है। उसके बाद जो नया गम है उसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको आधे के ऊपर कर भी दिया। क्या होता है उसका जो लेवल होता है उस हिसाब से ही काम करना पड़ता है। अब ये यहाँ जो है नॉर्मल से नॉर्मल लगाना होता है, लेकिन अगर बाय चांस ज़्यादा लग भी जाता है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये बेल्ट डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये चीज़ को बहुत सावधानी रखना है। ज़्यादा कम यहाँ नीचे के भाग में लगना नहीं चाहिए, इसलिए इसको हल्के से रिमूव कर लो। रिमूव करने के बाद आपको बता दूँ ये जो डिस्प्ले होता है ये सूखने के पहले ही बहुत फास्ट काम करना होगा। इसकी पट्टी निकालनी होगी, इसको हल्का सा ऐसा खींचना होता है और फिर इसको इंस्टॉल करना होता है, बराबर। उसके बाद आप देख सकते हो इस डिस्प्ले को हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। MI8A है, बराबर, 8A 12 बोलते हैं इसको। इसके बाद देख सकते हो आप हमने ऐसे करके इसको इंस्टॉल कर दिया, और ये डिस्प्ले का कनेक्टर होता है, इसको ऐसे लगाना होता है, नॉर्मल कुछ भी करना नहीं होता है। ऐसे लगाने के बाद एंटीना वागन में आप देख भी सकते हो यहाँ पानी भी गया हुआ है बहुत सारा, ये वाटर डैमेज भी है, बहुत ज़्यादा वाटर डैमेज भी हुआ है, पानी में भी गया। ये देख सकते हो ऊपर का बेल्ट देख लिया, पूरा पानी में गया होगा, और यहाँ भी देख लिया ये पूरा पानी है। ये हुआ, ये नीचे करो थोड़ा जूम कर लगाओ, ये देखो पूरा पानी लगा हुआ यहाँ पर, इतना सारा वाटर डैमेज है, पूरी तरीके से पानी में गया हुआ। इसको हम साफ कर लेते अच्छे से, बराबर, और यहाँ भी थोड़ा सा साफ कर लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी में गया हुआ है, एकदम क्लीन हो गया है। अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आना भी होगा तो भी वो सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए छोटी मोटी चीज़ें होती है वो देख लेनी पड़ती है और कम्प्लीटली काम करना होता है, ना कि ऐसे ही उठा के कुछ भी काम कर दो। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें सबसे नट लगाने होते हैं उस हिसाब से होते हैं, रिंगर की डब्बी है वो भी फिटिंग करनी होगी, और सही से नट लगाना होता है कम्प्लीटली। रिंगर की डब्बी को भी अच्छे से फिट करना होगा क्योंकि डिस्प्ले का बेल्ट वहीं से फिटिंग होता है। आप देख सकते हो पूरी तरीके से मैंने नट लगा दिया है और कम्प्लीटली फिटिंग कर दिया है। लॉक वगैरह भी होता है इसमें,
वो भी अच्छे से फिट करना होता है, बिना फिट किए कुछ भी नहीं होगा, फिट तो करना ही पड़ता है बराबर। कंप्लीटली पूरे नट लग चुके हैं, आप देख सकते हो इसमें सब कुछ कंप्लीटली है। और ये जो ढक्कन होता है उसको भी अच्छे से लगा देंगे हमने। इसको और एक चीज़ बता दूँ आपको, हमने डायरेक्ट फिटिंग कर दिया, चिंकी भी कुछ भी नहीं किया। और ये सिम ट्रे है और ये हम इसको ऑन कर दिए है और ये कंप्लीटली चालू है। ओके, आप देख सकते हो ये कंप्लीट मोबाइल चालू हो चुका है और टच भी अच्छे से वर्क हो रहा है और मैनुअल भी सही से चल रहा है और कंप्लीटली एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा वैमरा सब कुछ सही है। देख सकते हो जो भी प्रॉब्लम था, सॉल्यूशन था, वाटर डैमेज था, डिस्प्ले डालना था, वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है बराबर। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्प्ले और वाटर डैमेज दो प्रॉब्लम थे इसमें और हमने लाइव पूरे प्रॉब्लम सॉल्व किए और आपको दिखाया भी कि वाटर डैमेज कहाँ था और कितने हद तक था, पूरा लाइव दिखाया जो भी दिखाया है बराबर। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी होगा बराबर। कमेंट करना चाहता है या फिर किसी चीज़ पे वीडियो बनाना चाहता है वो बना सकता है। और क्लासेस के जो वीडियो है वो 22 वीडियो लगभग बन चुके हैं, जिसको भी सीखना होगा हमारे YouTube चैनल पे वो आ सकता है। और वो सबको तो पहले से देखिए ना कि अभी से बराबर। चलिए, धन्यवाद।